नेक्स्ट लिखे क्वेश्चन है, ड्रॉ डायग्राम शोइंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. ड्रॉ डायग्राम शोइंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. ठीक है, कॉपी कहाँ आपकी? कॉपी कॉपी रफ कॉपी. व्हाट्स योर नेम? कॉपी कहाँ है? फिजिक्स की फेयर कॉपी और फाइल आ गई है. बनाइए. यहाँ कौन बनाएगा? ये आप आओ. बनाओ. कौन सा टेबल? एग्जामिनेशन एक मिनट. अब ये कौन सी रे है? एक तो बिना रे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. ये रे ही नहीं है, ये मैथ्स का आपने डायग्राम बनाया है जिसमें लाइन है. रेज कब बनेंगी? जब एरो डालोगे. ठीक है, और उसके बाद इमर्जेंट रेज पैरेलल टू व्हाट? इंसिडेंट रे. ये क्या है? स्टैंड अप. व्हाट इज दिस? ये एंगल दिख रहा है आपको? इज दिस एंगल? ये डिस्टेंस है ना, क्या कहते हैं इसको? व्हाट डू वी कॉल दिस? डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, जो नाइन्थ में पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. वो है ये. कौन सी डिस्प्लेसमेंट हरजोबन? कौन सी है ये? यस. नेक्स्ट. नहीं है ये, क्या है? डेविएटिंग रे है. रे है ये, आप बताओ. डिस्टेंस है. आप कह रहे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है. कौन सा डिस्टेंस? ऊंची बोलो. लेटरल डिस्प्लेसमेंट. नाम पता लगने में ही पांच बच्चे खड़े हो रहे हैं. This is lateral displacement of glass slab. Stand up. ठीक है, अब एंगल. ये कौन सा एंगल है? दिस वन. ये विच टू एंगल्स आर सेम? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? Is there any relation which will always be true? Yes. That angle of refraction would be less than angle of incidence if it is traveling from rarer to denser medium. जो usually case होता है. Air से ही ray usually marked होती है. ठीक है? तो उस case में आपका R less than I होगा. तो आपका ऐसा question आ सकता है table की form में. कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, एंगल आई आर ई की वैल्यूज दी होंगी और आपको पूछेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें. ठीक है, लाइक दिस इज 30 डिग्री. सेम ले लेते हैं, ये भी 30 होगा. ठीक है,
which is correct? सेकेंड इज करेक्ट. तो एक तो आई और ई बिल्कुल सेम है और आर इज लेस देन आई और. इस तरह के क्वेश्चन हैं सैंपल पेपर्स में, आप देखोगे. हाँ फिर वो अवे जाएगा, फिर आर ग्रेटर देन आई होगा. वेवलेंथ जब रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, अकेला था जिसको क्वेश्चन नहीं आता था, अदर्स ऑल्सो. तो जब एक रे रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है देन वेवलेंथ डिक्रीजेस. ये नोट करिए, क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन लिखो. अ रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, अ रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम. हाँ जी और सोच लो, भी याद कर लो, कोई नहीं. हाँ कॉपी लेके आ जाओ, कोई नहीं, बेल होने दो. क्वेश्चन लिखिए, अ रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, अ रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम. वो एक्टिविटी ग्रुप में से देख लें, डाली तो है ना. टीचर्स भी हैं, वो भी हैं, आप उनसे पूछ लो क्यों है, मेरे ख्याल से हैं. हाँ करो. इज इंसिडेंट ऑन वाटर इंसिडेंट या इज कमिंग फ्रॉम एयर इनटू वाटर? Array of light of wavelength 6000 angstrom is coming from air into water. Coming from air into water. What is its speed? Teen cheeze nikalni hai. What is its speed, wavelength and frequency in water? Matlab jis medium mein enter kar rahi hai. And I have seen your copies. ये wavelength का symbol ही नहीं पता लग रहा बच्चों. Lambda कहते हैं. इसको most of the students they are writing small r. This is not small r. This is a Greek letter lambda. Wavelength के लिए use होता है. ठीक है? Speed क्या है? V. Frequency क्या है? ये या f भी लिख सकते. ठीक है? तो नाइन्थ क्लास में साउंड चैप्टर आपका डिलीट हो गया था ना, यही प्रॉब्लम है. तो उसमें तीनों का रिलेशनशिप था, v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, स्पीड इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. एयर में कैसे लिखेंगे? एयर में स्पीड होती है लाइट की c, c इज लैम्डा न्यू. एयर में कैसे लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यू नो, वी डिनोटेड बाय सिंबल c, सो वी गेट c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू हियर. This is equation number one. और अब हम लिखते हैं in water. In water C का V बन जाएगा, new wavelength lambda dash and frequency new, suppose new dash. ऐसे ही होगा ना, तीनों चीजें change कर दी हैं. वो हमने calculate करनी है. ठीक है, अब पहले तो speed निकालते हैं using the formula mu is equal to C by V. So V is C by mu, refractive index का ये formula है. Mu is C by V. अब इसमें values put करो. C कितना है? और refractive index of water with respect to air 4/3. Solve करिए, कितनी आ जाएगी? याद होगी आपको 2.25 into 10^8 meter per second. 2.25 मतलब कि डिक्रीज हो गई स्पीड. यस वी नो व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर या रेयरर टू डेंसर मीडियम इट्स स्पीड डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई इट बेंड्स टुवर्ड्स द, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती, दैट्स व्हाई इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये कम, पहले 3 थी, 3 इंटू 10^8, अब कम हो गई, 2.25 इंटू 10^8 हो गई. ठीक है, अब आओ थर्ड पार्ट पे. बिफोर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट पे आइए.
फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम. जब मीडियम चेंज होता है दो वेदर वी आर गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, मीडियम अगर चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज. आप रीजन लिखोगे बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. फ्रीक्वेंसी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, दैट्स व्हाई. बैठ जाओ आप, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी हमारी न्यू डैश नहीं न्यू ही रहेगी. अब वेवलेंथ ऑफ कोर्स चेंज होती है क्योंकि स्पीड चेंज हुई, वही न्यू ही है. सपोज एयर में न्यू थी, अब भी न्यू ही है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. अब निकालते हैं वेवलेंथ, नहीं बने तो अब वाटर में ये इक्वेशन आ गई. अब तो ये नोट कर लो कि वेवलेंथ डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ म्यू. देखो स्पीड भी डिक्रीज हो रही थी बाय अ फैक्टर ऑफ म्यू ही ना, ये भी डिक्रीज होगी बाय अ फैक्टर ऑफ म्यू. दोनों डिक्रीज होती हैं, ये याद रखो. मतलब अगर हम नॉर्मल कंडीशन ले रहे हैं कि एयर से रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तब, तो वेवलेंथ विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो पिछली वेवलेंथ 6000 थी ना, उसका डिवाइड करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 से, तो बताइए कितना आंसर आ रहा है. चलिए ठीक है, तो न्यू वेवलेंथ आपकी डिक्रीज हो जाए. डेरिवेशन का कोई वो नहीं है, आपका डेरिवेशन तो आनी नहीं है, तो उसको हम रहने देते. 4500 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में ही रखिए, मीटर में मत कन्वर्ट करिए. अदरवाइज यू शुड नो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं. 9th में करवाया हुआ है मैंने आपको, प्रीफिक्स टेबल करवाया था ना, वैल्यू कितनी है 10^-10 मीटर. ये स्मॉलेस्ट है, किसने कहा? फर्मी की वैल्यू याद है आपको, 1 फर्मी. फर्मी याद है किसी को? टेबल करवाया था, मैंने ही करवाया था पहले, शुरू में 9th थी मेरे पास लास्ट ईयर. नहीं यार, फर्मी 10^-15 मीटर होता है, इससे भी छोटा होता है, 1 lakh times स्मॉलर. स्मॉलेस्ट नहीं है ये, पर ये काफी स्मॉल यूनिट है जिससे हम वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं, एटॉमिक वेवलेंथ. हाँ किसमें? हाँ गुड क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन. अ कनकेव मिरर एंड अ कन्वेक्स लेंस, अ कनकेव मिरर एंड अ कन्वेक्स लेंस आर इमर्स्ड इन वाटर या हेल्ड इन वाटर. अ कनकेव मिरर एंड अ कन्वेक्स लेंस आर हेल्ड इन वाटर, इमर्स्ड इन वाटर. What will be the effect on their focal lengths? What will be the effect on their focal lengths? पहले one by one करते हैं, पहले mirror पे आते हैं, क्यों नहीं होगा? focal length होती नहीं है एक mirror की? जैसे क्यों रहेगी? हाँ जी, कैसे पता लगा? कौन कौन से फॉर्मूले मिरर्स के? फॉर्मूले से हमें डिपेंडेंस पता चल जाती है ना. तो लेट अस चेक द एक्सप्रेशन. मिरर फॉर्मूला यू और वी पे डिपेंड करता है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला भी यू वी और साइज के ऊपर डिपेंड करता है. एफ इज इक्वल टू आर बाय टू, उसमें भी नहीं आ रहा. चेंज क्या हो रहा है? जब हम लेंस को मिरर को एयर से उठा के किसी मीडियम में रख रहे हैं, वाटर में रख रहे हैं, कौन सी चीज चेंज हो रही है? क्या कह रहे हो? लाइट डायरेक्शन नहीं. सपोज करो हम डायरेक्शन सेम रखते हैं, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है. पहले मिरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर था, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, पहले एब्सोल्यूट था अब रिलेटिव हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना. पर हमारे किसी भी फॉर्मूला में मिरर की फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करती, सो दैट्स वाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर विल नॉट चेंज, बट ऑफ लेंस इट विल चेंज.
लेंस की फोकल लेंथ चेंज होगी, इंक्रीज होगी वाटर में, इंक्रीज होगी लेंस की, मिरर की सेम रहेगी। अब लेंस की क्यों चेंज होगी पहले वो देखो, कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, आपने लेंस फॉर्मूला किया ना, 1/f = 1/e - 1/e, ये होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग, पूरा फॉर्मूला नहीं बताऊंगी मैं आपको, काफी लेंथी है वो तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, पावर जो है 1/f मतलब पावर ऑफ लेंस किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विल चेंज व्हेन इट इज शिफ्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर, फोकल लेंथ विल आल्सो चेंज। अब हम पहले ये देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। पहले ग्लास का लेंस इज कंपोज्ड ऑफ ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू एयर इट वाज 3/2 1.5, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होता है, हम कर सकते हैं कैलकुलेट, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये किया हुआ है ना ये फॉर्मूला, बताओ कैसे करते हैं, पहले बताइए इसको हाउ डू वी राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, सब भूल चुके हो, फॉर्मूला किया हुआ है ना, ये कंपाउंड स्लैब फॉर्मूला या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला। अब ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 3/2, वाटर का कितना है, 4/3, ये हो गया 9/8। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिक्रीजिंग, 1.5 से 1.25 हो रहा है व्हेन वी आर शिफ्टिंग द लेंस फ्रॉम एयर टू वाटर। तो सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिक्रीजिंग एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ विल इंक्रीज इन वाटर। सो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम इन विच वी आर कीपिंग द लेंस, इन विच वी आर इमर्सिंग द लेंस। तो अब ये पता लग गया चेंज होगी, पर क्या टाइप का चेंज होगा, इंक्रीज की डिक्रीज, इट इज इंक्रीजिंग। हाँ, कंकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है ना, हाँ पर उसमें भी होगी, वैसे क्वेश्चन ये कन्वेक्स लेंस के लिए बनाए, ठीक है, ये उसमें आपको मिरर भी कंकेव ही देंगे जिसमें रियल इमेज बनती है, लेंस भी वही देंगे जिसमें रियल इमेज बनती है, कन्वेक्स लेंस, गॉट इट। हाँ जी, लेंस मिरर से बना होता है, वी डोंट सी एनी पॉलिश्ड ओपेक साइड इन लेंस, नो, वो उसका मटेरियल डिफरेंट होता है। मिरर और लेंस को आप कंपेयर ऐसे नहीं कर सकते, मिरर जो है वो तो रिफ्लेक्शन कर रहा है, लेंस रिफ्रैक्शन कर रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस आ रहा है, मैंने इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको दिखाई, इतना रीजनिंग दी, ये है। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, रिफ्रैक्शन का हो गया हमारा स्लैब का, और इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे पैरेलल होती है, कीप दैट थिंग इन माइंड, कंपाउंड स्लैब फॉर्मूला, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला भी आता है आपको, एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर इतना है, एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, सो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट, इट विल बी 2/3, एक तो ये फॉर्मूला है, एक कंपाउंड स्लैब फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया, ये होने चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल बताओगे, कौन कौन से किए थे हमने क्लास में, नॉर्मल लाइफ में कहां देखते हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आई टोल्ड यू एग्जाम्पल, स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी शैलोअर, बाहर से देखते हैं तो लगता है कि ज्यादा डीप नहीं है, हाँ, पेंसिल अपीयर्स टू बी बेंट एंड शॉर्ट, कॉइन कैप्टन बकेट ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी रेज, ये सारे किए थे ना, ठीक है। तो इसको अगर हम डायग्राम बनाए कैसा बनेगा, दिस इज योर ऑब्जेक्ट कॉइन,
नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कोई रिफ्रैक्शन होती है क्या? नो. तो पहले हमने एक रे ली नॉर्मल, सीधी चली गई, नो रिफ्रैक्शन, नो बेंडिंग. एक रे हमने ली किसी एंगल पे, वाटर से एयर में जा रही, रेयरर डेंसर से रेयरर में, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. वी आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है, हमें लाइट यहां से आती दिख रही. सो द इमेज ऑफ दिस पॉइंट विल बी सीन हियर, हमें वो पॉइंट रेज्ड दिखेगा, ठीक है. एंड डिस्टेंस थ्रू विच इट अपीयर्स टू बी रेज्ड, दिस डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट. इसकी डेरिवेशन है हम नहीं कर रहे क्योंकि सिलेबस में नहीं लिखा हो, बस आपको बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा माइंड में रखिए होता क्या. नॉर्मल शिफ्ट ये है, नॉर्मल शिफ्ट एक्स, लिख लो डेफिनेशन नॉर्मल शिफ्ट. ये जो एग्जांपल थे ना, मतलब कि कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड, कितना रेज लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल शिफ्ट. बस इतना आपको बताना. द डिस्टेंस थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट, नहीं हाँ डायग्राम तो अगर आपको आए तो समझ आ जाएगा ना, क्योंकि एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन तो आ सकता है ना, कि कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड, हो सकता है डायग्राम देखे ये पूछे कुछ, इसीलिए मैं करवा रही हूँ. तो इसमें आप लिखोगे डिस्टेंस थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, डिस्टेंस थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट. मतलब कॉइन हमें रेज लग रहा है, कितना रेज लग रहा है वो उसको कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट. अगर आप सपोज कर ले एक इंक की डॉट है पेपर पे, आप उसके ऊपर एक स्लैब रख दो ग्लास स्लैब, आपको रेज दिखेगी, जितने डिस्टेंस से रेज लगेगी उसको आप कहते हो नॉर्मल शिफ्ट. दैट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने बता दी थी आपको रेनबो के पहले, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे डायमंड शाइन सो ब्रिलियंटली because of total internal reflection, angle of incidence becomes greater than critical angle, then it takes place. ठीक है, अ प्रिज्म इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, बीसी इज द बेस. अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. आफ्टर डिस्पर्जन थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप कॉरिस्पॉन्ड्स टू कलर ऑफ द स्काई. किस केस में कलर ऑफ स्काई फ्रॉम द टॉप होगा, कौन सा कह रहे हो? बी ऑप्शन, ये वाला. इसमें बनाओ डायग्राम कैसे बनेगा. इसमें अगर आप करो तो विब ग्योर यहां आएगा, ठीक है. थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप यहाँ पे उन्होंने बोला है वो ब्लू होना चाहिए, वो नहीं है, फिर ये नहीं है, ठीक है. किसमें? हाँ इसमें पर इंसिडेंट रही ये है ना आपकी, बेस ये है ना. तो पर हम दोनों साइड से रिफ्रैक्शन कर सकते हैं, दोनों साइड में रिफ्रैक्शन कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्योंकि प्रिज्म उल्टा रखा हुआ है तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम हमें ऐसे विभ्य और ऊपर की बजाय नीचे की बजाय यहां से दिखेगा. तो यहाँ पे थर्ड कलर हमारा ब्लू होगा, ठीक है. इस केस में क्या होगा? हाँ इसमें तो ऐसे ही बनेगा, रे की आप डायरेक्शन देखिए. और इसमें क्या होगा? बेस बी सी ए,
बेस बीसी है ना ये, तो यहाँ से रे कैसे एंटर करेगी? बेस को तो हम नीचे ही रखते हैं ना, ये तो केस में ही गड़बड़ है। रे देखो या एबी पे या एसी पे इंसिडेंट करते हैं, बेस पे इंसिडेंट नहीं करते हैं, तो ठीक है बी आंसर बनेगा। अगर सीधा आपका नंबर आ रहा है तो दूसरी साइड से सीधा आ जाएगा, ठीक है। आंसर दिया नहीं है। ओ, ये तो शीट है, आंसर नहीं दिया। एक मिनट।